हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बातें करने वाले हैं पीवी शैली के बारे में, उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ घटनाओं के बारे में। तो आइए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। पीवी शैली अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवियों में से एक थे। उनका पूरा नाम पर्सी बीसी शैली था। उनका जन्म सीसेक्स के समीप फील्ड प्लेस में 4 अगस्त 1792 में इंग्लैंड में हुआ था। वे अपने पिता के सबसे बड़े लड़के थे। उनके पिताजी एक अमीर जागीरदार थे। उनकी माँ बहुत ही नम्र स्वभाव की थी, जिसके द्वारा बचपन में उन्हें असीम प्यार मिला था। लेकिन उनके पिता एक घमंडी स्वभाव के व्यक्ति थे। शैली की शुरुआती शिक्षा उनके घर पर ही दी गई थी। जब वे 10 वर्ष के थे तो उन्हें ब्रेंट फोर्ड के सियान हाउस के स्कूल में दाखिल कराया गया था। वे एक चतुर बालक थे और अपने पाठों को शीघ्र याद कर लिया करते थे। इसके बाद वह अपने अगले अध्याय के लिए एटन नामक प्रसिद्ध स्कूल में गए। वे एक सुंदर लड़के थे। वे कोमल, घबरा जाने वाले तथा अत्यधिक संवेदनशील भी थे। इसलिए विद्यालय के बुरे विद्यार्थी उन्हें बहुत तंग किया करते थे। लेकिन वे एक बहादुर लड़के थे। वे अपने विद्यालय के अत्याचारों से घृणा करते थे। वे अपने स्कूल में कोड़े मारने की सजा से भी घृणा किया करते थे। उन्होंने स्कूल के अन्य प्रकार के डंडों की अवहेलना भी की। ऐसे स्कूल के अपने अनुभव ने उन्हें ऐसा विश्वास दिला दिया कि यह संसार अत्याचारों और अन्यायों से भरा हुआ है। नास्तिकता की भावनाएँ उनके हृदय में पैदा होने लगी। ईटन स्कूल के अपने विद्यार्थी जीवन में रोमन और ग्रीक साहित्य का अध्ययन हुए अत्यधिक किए, इसलिए वे ग्रीक साहित्य के एक विद्वान बन गए। सन 1810 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के कॉलेज में प्रवेश किए। उन्होंने अपने द्वारा ग्रहण किए गए विषयों का गहन अध्ययन किया। अब वे पूर्ण रूप से नास्तिक बन चुके थे। अपने चर्च के द्वारा प्रतिपादित धर्म की कट आलोचना की, इसलिए विद्यालय अधिकारियों के साथ उनका मतभेद हो गया। इस कारण उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। सन 1811 की ये घटना है। इस घटना के बाद शैली घर वापस लौट आए, लेकिन उनके पिताजी, जो उनसे नाराज थे, घर पर प्रवेश नहीं करने दिए। शैली बहुत दुखी हो गए और निराश हो गए। उसी साल उन्होंने स्कूल की एक लड़की, जिसका नाम है हेरियट बेस्ट ब्रोक, से शादी कर ली। उन्होंने 2 बच्चों को जन्म दिया। उनमें एक लड़का था और एक लड़की भी थी। उसके पिताजी उनसे इतना अधिक नाराज थे कि उसे अपनी संपत्ति से भी बेदखल कर दिया। बाद में कुछ नरम होकर उन्होंने शैली को 200 पाउंड वार्षिक पेंशन बांध दी। पति पत्नी में झगड़ा था, इसलिए हेरियट पृथक पृथक स्थानों पर रही। उन दिनों शैली ने स्कूल की एक अन्य लड़की से प्रेम करना शुरू कर दिया, जिसका नाम मैरी था, और 1816 में मैरी से विवाह कर लें। उसी साल उनकी पहली पत्नी हेरियट बेस्ट ब्रोक ने आत्महत्या कर ली। शैली की दूसरी शादी प्रसन्नतापूर्वक सिद्ध हुई, क्योंकि मैरी एक बुद्धिमान साथी थी और उनका दृष्टिकोण वैसा भी था जैसा कि शैली का था। इस घटना के कारण शैली की सभी रिश्तेदारों और सभी मित्रों ने उससे अपने संबंध विच्छेद कर लिए। इसलिए उन्होंने इंग्लैंड छोड़ दिया और इटली चले गए। वहाँ पर उन्होंने अपना जीवन बिताया। सन 1819 में उनकी दूसरी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। उसने एक पुत्र को जन्म दिया था, किंतु वह भी मर गया। इस प्रकार शैली अब बिल्कुल अकेले हो गए थे। वे अपने जीवन से पूरी तरीके से ऊब गए थे। 8 जुलाई सन 1822 को वे एक नाव में यात्रा कर रहे थे, जिसे एक तूफान ने समुद्र में डुबो दिया। उनके पार्थिव शरीर को रोम में अंग्रेजों के कब्रिस्तान में जान कीट की कब्र के बराबर दफना दिया गया। उनकी यादगार ही शेष रह गई।